विरामं प्रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवांशनाथं आरुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमुतुल्यवेगम यतेन्द्रियं बोधि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयो मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम उमापति महादेव की जय, पवन सुत उमान की जय। तो पुनः आप सबको राम राम। महा भाई और बहनों, आज रामायण क्लास में हम उत्तरकांड आरंभ करेंगे। तो आज की क्लास आदरणीय विनीता मिश्रा जी लखनऊ से पढ़ाएंगे। सो उत्तरकांड के आरंभ से 2:35 तक पर चर्चा होगी। तो उसके बाद में आपके जो भी कोई प्रश्न हो या इस पर कुछ टीका हो विचार हो तो अवश्य प्रकट करें। तो विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आपका स्वागत। सभी को जय सियाराम। सभी विद्वजन गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और भगवान श्री राम के चरण कमलों में शीश झुकाते हुए आज की क्लास का जो प्रसंग है उसको आरंभ करने की आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। उत्तर कांड है, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस, सप्तम सोपान, उत्तर कांड। रामचरितमानस में उत्तर कांड सातवां कांड है और रामचरितमानस जिस प्रकार प्रश्नों के साथ आरंभ होती है, उत्तर कांड में आकर के उन सभी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का और कथा के उत्तरार्ध पक्ष का पता चलता है। थोड़ा गूढ़ क्लिष्ट कांड है और क्योंकि कथा पक्ष इसमें ना के बराबर है तो, और ये एक ऐसा कांड है जिसमें सबसे अधिक अपने बुद्धि और भाव के अनुसार इसको समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो मैं भी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार आज की क्लास में इसके भावों को, प्रसंगों को रखने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले जो वंदना करी गई है उत्तर कांड में, उसमें भगवान के पुष्पक विमान पर आरूढ़ स्वरूप की वंदना करी है तुलसीदास जी ने। उनका रूप, उनका सौंदर्य और किस प्रकार वो पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं और कौन कौन उनके साथ उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ है, उस स्वरूप की वंदना करते हुए उसके पश्चात तुलसीदास जी कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो, भगवान राम के कौशलपुरी के स्वामी होने का संबोधन करते हुए और वो शंकर और ब्रह्मा के द्वारा वंदित हैं, उनके चरण कमल और जानकी जी के कोमल हाथों के द्वारा लालित्य प्रदान किए जाते हैं जिन भगवान के चरण, इनका चिंतन करने वालों का मन भावरे के रूप में सदा उन चरण कमलों में स्थित रहता है, मंडराया करता है। तो उत्तर कांड में हम देखेंगे कि चरण कमलों का, पूरी मानस में ही चरण कमलों का बहुत वर्णन है पर उत्तर कांड में भगवान के चरण कमलों का अनेक बार वर्णन है और कभी कभी एक ऐसे रूप का वर्णन है कि वहां पर हमें ठीक उल्टा नजर आता है। वो जब हम वहां पहुंचेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात गौर वर्णी भगवान शंकर जो जगत जननी माता पार्वती के स्वामी हैं और जिनके नेत्र भी कमल के समान हैं, जो कामदेव के बाणों से त्रस्त होने वाले
जो मनुष्य हैं, कामदेव का ही वो मोचन करते हैं, तो इस प्रकार जो विषय कामनाएं हैं उनसे मुक्ति प्रदान करने वाले जो भगवान शंकर हैं उनकी वंदना करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो भगवान के चरण कमल हैं उनका इतना क्यों बार बार वर्णन, क्योंकि रामायण जो कथा है वो राम के जीवन शैली, आचरण, कर्तव्य, धर्म स्थापना, कर्म की महत्ता, इन सब के लिए जो उन्होंने मार्ग चुना है उस मार्ग की कथा है, और मार्ग में चलने के लिए चरण चाहिए होते हैं। तो सत्य के धर्म के मार्ग पे जो चरण सदा अनवरत चलते रहे, और कमल क्यों कहते हैं, भगवान के चरण भी कमल के समान है, नेत्र भी कमल के समान है, तो हम सभी जानते हैं कि कमल जहां से उपजता है संसार में, जो उसका सरोवर, जो उसका संसार है वहां पर प्रकट होता है, उपजता है, विकसित होता है, पर उसमें लिप्त कभी नहीं होता है। तो भगवान के चरण कमल सब कुछ, सब मार्ग पर चलते हुए दिखते हैं, मगर वहां लिप्त कहीं नहीं होते हैं, चाहे वो वन में रह रहे हों, चाहे वो अयोध्या में रह रहे हों, चाहे वो जहां भी रह रहे हों। तो मुझे लगता है कि जहां भी कमल शब्द का प्रयोग आता है भगवान के लिए, उनके अंग प्रत्यंग के लिए आता है, तो उसका उसी निर्गुण ब्रह्म को कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, कि वो सगुण रूप में संसार में आते जरूर है, प्रकट जरूर होते हैं, पर इस संसार का जो माया का और मल का स्वरूप है उसमें वो कभी लिप्त नहीं होते हैं। इसके साथ ही अब हम लोग प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं, और तुलसीदास जी बताते हैं कि किस प्रकार अयोध्या में किस आतुरता के साथ राम की प्रतीक्षा हो रही है। केवल एक दिन शेष रह गया है, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, अयोध्या वासी के लोग आर्त हो करके राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी के शरीर दुर्बल हो गए हैं, कृश हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं सब लोग। उसके बावजूद जो अब उनके रोज दिनचर्या जो चल रही थी, अब एक दिन शेष रह गया है, तो उनको सारे शुभ संकेत हो रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो उनके शरीर में जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, वो सब इस बात को उनको अनुभव करा रहे हैं कि अब वो अवधि बीत चुकी है और राम आने वाले हैं। माताओं के मन में भी आनंद उमड़ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी कोई आके कह देना चाहता है कि राम अनुज सहित पधार चुके हैं। भरत जी के भी दाहिनी भुजा और दाहिने नेत्र फड़क के बार बार उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शुभ संदेश आने वाला है, परंतु शगुन तो हो रहे हैं, पर भरत जी ये सोच रहे हैं कि अभी तक किसी ने आके ये बताया नहीं है। तो जैसे जीव की अवस्था होती है कि सदा डावाडोल की स्थिति में जीव रहता है इस संसार में, तो शुभ संकेत मिलने के बाद भी भरत जी को बार बार ये अंदेशा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। और जैसे ही उनको ये, उनके अपने ही मन की अवस्था है, रामचंद्र जी तो आ चुके हैं, ऐसा ही जीव होता है, उसे सिर्फ अपने मन की अवस्था का ज्ञात होता है, वास्तविक परिस्थितियां क्या है वह ना उनको देख पाता है ना जान पाता है। तो अपने मन की अवस्था के कारण वो दुखी हो जाते हैं और फिर से लक्ष्मण जी से अपनी तुलना करने लगते हैं कि लक्ष्मण जी कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के चरणों के अनुरागी बने हुए उनके साथ साथ हैं। चरणा अनुरागी भरत भी हैं, पर उनको परिस्थितियों के कारण राम से अलग रहना पड़ रहा है। फिर उन्हें लगता है कि 14 वर्ष में कहीं कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं आ गई कि भगवान को ये लगा हो कि नहीं, मैं जैसा नजर आया था चित्रकूट में वैसा हूं नहीं, मेरे भीतर कुटिलता है, या कुटिल माँ की संतान कुटिल ही हो सकती है, एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी अगर मेरी कुटिलता भगवान को कहीं समझ में आई होगी तो वो जो भी मेरे साथ करे वो थोड़ा है। फिर उनको लगता है कि ये सब तो मेरे मन की सोच है, भगवान राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो फिर यही सोचने लगते हैं कि वो आएंगे तो, लेकिन ये जो समय एक दिन का रह गया है वो भी बीत गया और भगवान नहीं आए और मैं जिंदा रह गया, तो वास्तव में मेरे समान नीच कोई नहीं है, क्योंकि उनके सामने पिता का उदाहरण है
कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया था राम के लिए। तो राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, तो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट तिसगात, राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात। ऐसा सोच विचार भरत जी का चल रहा है राम के विरह रूपी समुद्र में वो डूबते उतराते से हो रहे हैं कि तभी हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहां आते हैं और भरत जी के स्वरूप को देखते हैं कि किस प्रकार वो दुर्बल शरीर में जटाओं को धारण के हुए कृशकाय होकर के बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि भरत जी की क्या दशा है, क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, तो वो हर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सीता जी को देखने भी हनुमान गए थे और उन्होंने जब ये देखा पाया कि सीता जी राम के ही ध्यान में मग्न है तो उनको संतोष हो गया और तब उन्होंने सब कुछ राम का संदेश कहा। यहाँ पर भी जब उन्होंने देखा, जैसे भरत जी को अंदेशा है कि कहीं राम ने मुझे कुटिल ना जान मान लिया हो, वैसे ही राम ने भी ये भी सोचा होगा कि भरत अभी भी क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी, इसलिए विद्यावान गुणयति चातुर हनुमान जी को पहले भेजा जाता है कि जाके देख क्या ये स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। और जब हनुमान जी बिना कहे भगवान के मन की बात को जानने वाले हैं, तो वो जब देखते हैं कि ये अभी भी उसी तरह से जिस तरह राम इनका गुणगान बखान करते हैं वही अवस्था है, तब वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जा सुबिरह सो चहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्रा। तब वो ये संदेश राम के आगमन का भरत जी को बताते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं कि शत्रु को जीत करके जो उन्होंने किया है उस यश का गान देवता लोग कर रहे हैं, उस गान को देवताओं के द्वारा वर्णित करवाते हुए भगवान राम सीता और भाई लक्ष्मण के सहित आ चुके हैं। ये सुनते ही भरत जी की दशा ऐसे हो गई कि जैसे किसी प्यासे को अमृत पान करने को मिल गया। भावावेश में आ जाते हैं भरत जी और पूछते हैं कि हे तात, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और मुझे प्रिय लगने वाले ऐसे वचन कह रहे हैं। ठीक वही अवस्था है जो सीता माता की अशोक वाटिका में थी। तो राम के ध्यान में मग्न व्यक्ति को जब राम का संदेशा या राम के बारे में सूचना मिलती है तो वो उसकी एक ही सी उसकी प्रतिक्रिया होती है, दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे उठ सादर। जैसे ही उनको पता चलता है कि वो राम के भेजे हुए सेवक हैं, वो आदर से ही उनसे भेंट करते हैं और बहुत उनको संतोष होता है। बार बार वो उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं और कहते हैं कि यही संदेश सरिस जगमाही, कर विचार देख्यो कछु नाही, नाही न तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। ये संदेश सिर्फ सुनाने के लिए भरत जी कहते हैं तात में आपसे उऋण नहीं हो सकता हूँ। तो देखिए हनुमान जी का ही चरित्र ऐसा है जिनसे न राम उऋण होते हैं और न भरत उऋण होते हैं। तब हनुमान जी उनको मस्तक नवा करके राम जी के बारे में सारा वृतांत बताते हैं और फिर भरत जी पूछते हैं। जब रामचंद्र जी की कुशल क्षेम पता चल जाती है तो फिर उनके मन के भीतर का जो संशय है कि कभू कभी कभू कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाई, क्योंकि अब तो उन्होंने जब सारा वृतांत सुनाया तो उन्होंने जान लिया अब तो राम के पास कितने सेवक हो गए हैं। पदुम 18 जूथक बंदर, इतने सेवकों को मिल जाने के बाद भी क्या उनको ये याद है कि एक मैं भी उनका दास हूँ। इस तरह से भरत जी हनुमान जी से वार्तालाप करते हैं। बहुत सुंदर छंद तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज दास ज्यो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो, सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि, पुलक तन चरणन ही पड़यो। हनुमान जी भरत जी के चरणों में उस प्रकार गिर पड़ते हैं जैसे राम के चरणों में गिरते हैं। रघुबीर निज मुख जास गुण गन कहत अग जगन्नाथ, जो काहे न होई बिनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। वो पाते हैं कि जिस प्रकार का बखान उनके गुणों का वर्णन रामचंद्र जी किया करते हैं, भरत जी उनको बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन, ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुन, हरष न हृदय समान। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपि, राम पहि कही कुशल सब जाई, हरष चले प्रभु जान चल। इस प्रकार प्रेम पूर्वक
उनका संदेशा कह के उनसे भेंट करके उनके मन का हाल जान करके फिर हनुमान जी राम के पास जाते और कहते हैं जल्दी करिए, अब आप भरत के पास पहुंचने में बिल्कुल भी विलंब ना करिए। जब हनुमान जी रामचंद्र जी को बता देते हैं कि आपकी उसी प्रकार प्रतीक्षा हो रही है, तब रामचंद्र जी चले प्रभु जानी चाहिए, फिर से पुष्पक विमान पर चढ़ते हैं और अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। अब भरत जी को पता चल गया, और भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं हम सब भी लोग जानते हैं, तो ये समाचार सुनाने के लिए भरत जी अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। भवन में जाकर के यह समाचार सबको देते हैं। माताएं इसको सुनकर के बहुत प्रसन्न होती हैं, नगर के वासी प्रसन्न होते हैं। गुरु को जाकर के सबसे पहले भरत जी यह समाचार गुरु को सुनाते हैं, फिर माताओं को, और इस तरह से धीरे धीरे करके ये बात पूरे नगर में फैल जाती है। तो जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो प्रतीक्षारत हैं, वो सोने के थालों में मंगल सामग्री के साथ राम के अगवानी करने के लिए थाल सजाने लगती हैं। कोई कोई लोग अब सुहागिन स्त्रियां थाल सजाने लगी हैं, और जो अन्य लोग हैं वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उठ उठ के भागने लगते हैं कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। अवधपुरी प्रभु अवध जानी भई सकल, ये तो चेतन लोगों की बात है जो अयोध्या के नगरवासी हैं। राम के आगमन का समाचार सुनकर के अयोध्या नगरी स्वयं शोभा की खान हो जाती है, सारे सौंदर्य को प्रकट करने लगती है। प्रकृति अपने पूरे पूर्ण सौंदर्य के साथ वहां पर प्रकट होने लगती है। त्रिविध बयार चलने लगती है, सरयू का जल अति निर्मल हो जाता है। हरिषित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। इस प्रकार भरत जी तो सबको लेकर के राम की अगवानी के लिए चल पड़ते हैं, और अयोध्या की सारी गलियां वो सब लोगों से भर जाती हैं। तो स्त्रियां जो होती हैं वो घरों की छत पे चढ़ चढ़ के कि कैसे देखें राम आने वाले हैं। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देख हर्षान बड़े कोलाहल कर। और रामचंद्र जी का विमान उठ करके अब अयोध्या के ऊपर आ चुका है। वहां पर जो उनकी नारियां जो छतों पे हैं और नीचे जो जन रव कल रव कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया है, और ये जो जन सैलाब है एक समुद्र के भांति नजर आ रहा है। और जो हलचल मची हुई है लोगों के बीच में, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, और छत तक स्त्रियां लहर सी उठ रही है जन सैलाब की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार की तरंगे उठने लगती है। ये अयोध्या वासियों के मन के उत्साह का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी, जो भावना को भौतिक रूप से इतनी सुंदरता से बखान कर पा रहे हैं। उधर रामचंद्र जी का विमान जब अयोध्या के ऊपर आता है, तो रामचंद्र जी अपनी नगरी को देख करके किस प्रकार उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं। और नर लीला में ये होता है कि जब हम अपने जन्म क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो एक अलग ही उत्साह से भर जाते हैं। तो सबको, सुग्रीव को, अंगद को, विभीषण को, वो ऊपर से दिखा रहे हैं और कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि वेद पुराणों ने वैकुंठ का बहुत बखान किया है, किंतु अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को हो। लेकिन मुझे अयोध्या सबसे अधिक प्रिय है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अयोध्या और वैकुंठ क्या है? इस संसार में ही जब मनुष्य कुंठा रहित होकर के जीवन यापन करने लग पा सकता है तो इसको ही वैकुंठ निवास करते हैं। जीवन में कोई कुंठा ना होना, वही वैकुंठ है। पर उस कुंठा से मुक्त होने के लिए पहले अवध, जहां पर कोई द्वंद नहीं है। अवध का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई युद्ध हुआ लंका में, युद्ध हुआ जहां पे विकार थे। अयोध्या में कोई विकार ही नहीं है, तो वहां पर अयोध्या, वहां युद्ध कैसे होगा, किसी का वध कैसे होगा? तो उस कुंठाविहीन अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव को पहले अयोध्या की स्थिति में पहुंचना पड़ता है, अवध की स्थिति में पहुंचना पड़ता है। जब उसके भीतर कोई द्वंद नहीं रह जाता है, तभी वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर यही इसका आध्यात्मिक मर्म भी समझ में आता है। इसके अलावा जो ऊपरी कथा दिखाई पड़ रही है कि जन्मभूमि सुंदर लग रही है, वो
बहुत उसको उन्होंने किस प्रकार से मिस किया है वो सब भी राम के वचनों से समझ में आता है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान उतर कहे प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ प्रेरित राम चले उसो हरषु विरह अतिता। जैसे ही अयोध्या के में पहुंचे रामचंद्र जी उन्होंने पुष्पक विमान को वहां पर उतारा और वो जिसका था उसके पास जाने का उसको आदेश दे दिया। वो जड़ वस्तुओं की भी अवस्था कैसी दिखती है कि हर्षु विरह अतिता। जड़ वस्तुएं भी क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि वो सचराचर जगत को चाहते हैं, इसको उसको ज्यादा चाहते हैं, इसको उसको ज्यादा चाहते हैं, कई बार बोलते हैं, पर उन्होंने तो जड़ और चेतन में भी भेद नहीं किया है। विमान से भगवान उतर गए हैं, अब भरत जी वहां पर आ जाते हैं और राम के वियोग के कारण सबके तन कृश हो रहे हैं। वामदेव और वशिष्ठ और अनेक मुनि जन जब वहां आते हैं तो रामचंद्र जी पहले अपने धनुष और बाण को धरती पर रख देते हैं और तब प्रणाम करते हैं। गुरुजनों के सामने आयुध के साथ नहीं उनका सामना किया जाता है, आयुध के साथ उनको प्रणाम नहीं किया जाता है। धाई धरे गुरु चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलक तनोरु भेंट कुशल बूझी मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। और जब भगवान गुरु वशिष्ठ उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं तो यही कहते हैं कि आपकी दया के कारण हम कुशल। राम ने कभी कहीं खुद को क्रेडिट दिया ही नहीं। आगे के एक प्रसंग में और बहुत अच्छे से समझ में आता है, सकल द्विजन मिल नायो माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। भगवान सभी गुरु को प्रणाम करने के बाद नगर में नगर के सभी ब्राह्मणों को मस्तक नवाते हैं और उसके बाद भरत के साथ भगवान की भेंट होती है, राम की भेंट होती है। और भरत जी जब भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं तो उठाए नहीं उठते हैं, बर कर कृपा सिंधु उरलाए, पर बस राम उनको उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं तो दोनों श्यामल श्यामल तन जब आलिंगन बद्ध हो जाते हैं। नव राजीव नयन जल बाढ़े, कमल नैनों से जल की बरसात होने लगती है, नैनों से जल की बरसात हो रही है, शरीर के रोए खड़े हो गए हैं। बहुत अधिक प्रेम के साथ तीनों लोकों के स्वामी छोटे भाई को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान राम और भरत के भेंट की ये जो भेंट का ये जो दृश्य है इसके लिए तुलसीदास जी को कोई उपमा ढूंढे नहीं मिलती है। इतना कह पाते हैं कि जैसे प्रेम और श्रृंगार दोनों शरीर को धर करके मिल रहे हैं। बहुत सुंदर मुझे ये छंद लगता है कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी राम के साथ जब भी हैं तो वो राम अगर ज्ञान है तो लक्ष्मण जी वैराग्य कहे गए हैं, तो राम अगर ज्ञान है तो भरत जी प्रेम है, तो ज्ञान अगर वैराग्य के साथ आगे बढ़ता है पर उसका सौंदर्य उस ज्ञान का प्रेम के द्वारा अर्थात भक्ति के द्वारा ही बढ़ता है। फिर एक दूसरे का कुशलता पूछते हुए, सुन सिवा जो सुख बचन मन ते भिन्न जो जान जो पावई। शंकर जी भी पार्वती जी से कहते हैं कि भरत और रामचंद्र जी का जो ये दृश्य है मिलन का, इसमें कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसको बहुत कम लोग बस हृदय से ही जान पा रहे हैं। अब कुशल कौशल नाथ आरथ जानी जन दर्शन दियो मूरत विरह बारी से कृपा निधान मोहि कर कही। क्योंकि भरत जी अपने ही मन की शंकाओं के समुद्र में, विरह रूपी समुद्र में डूब उतरा रहे थे तो उनको लगता है भगवान राम ने उनका हाथ पकड़ के उस वियोग सागर से उनको उबार लिया है। उसके पश्चात भगवान शत्रुघ्न से भेंट करते हैं और लक्ष्मण भरत आपस में भेंट करते हैं, फिर शत्रुघ्न और लक्ष्मण भेंट करते हैं। इस प्रकार सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। सीता जी को भरत जी चरण उनके उनको शीश नवाते हैं। अब भगवान के को सारे अयोध्या के वासियों से मिलने की बारी आती है, जो भी उनके वियोग की विपत्ति को इतने दिनों से सह रहे थे वो भी अब नाश होने लगी है। देखिए, राम अगर अयोध्या में नहीं थे तो सब सुख साधन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ थी, अगर विपत्ति उस समय अयोध्या में थी तो वो केवल और केवल राम के वियोग की थी। इससे ये पता चलता है कि भरत जी ने अपने राज कर्तव्यों का निर्वहन कितनी खूबसूरती से, कितने परफेक्ट तरीके से किया होगा कि विपत्ति की बात केवल वियोग के रूप में आती है।
तब भगवान देखते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर भेंट करने के लिए आए हैं। भगवान कृपा दृष्टि सबके ऊपर डालते हैं और एक ही क्षण में, मुझे थोड़ा इसमें चार्जर लगाना पड़ेगा, मुझे एक मिनट का समय मिले। बहुत क्षमा चाहती हूँ। तब भगवान एक ही क्षण में इतने रूप रख लेते हैं। छन मही सब ही मिले भगवान, उमा मरम यह काहू न जाना। जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसकी इच्छा है कि राम निजी तौर से उससे मिले, तो भगवान उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए ये बहुत आसान है कि यदि आसमान में सूर्य निकलता है और कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उस सूर्य का वह अपने निजी तौर पर दर्शन करे, तो उसे केवल हाथ में एक घट लेना पड़ता है जिसमें जल हो, तो घट रूपी शरीर में मन रूपी जल भर करके जब हम उस सूर्य को देखते हैं तो उस सूर्य का प्रतिबिंब हमें अपना जान दिखाई पड़ता है। ऐसे ही भगवान राम इतने रूप ले लेते हैं और सबके साथ निजी तौर पर भेंट करते हैं। फिर माताओं की बारी आती है। ये छंद जनुधेनु बालक बच्छ तज ग्रह चरण बन पर बस गई। माताएं इस प्रकार दौड़ के राम को मिलने आ रही हैं, जैसे बछड़े को घर में छोड़ करके दूसरे के वशीभूत होकर के गायों को वन में जाना पड़ा, और अब वो दौड़ के आ रही हैं घर में अपने बछड़ों से मिलने के लिए, और उनके स्तनों से थनों से दूध की धार बह रही है। कैसा विपरीत प्रसंग कर करके तुलसीदास जी कितनी सुंदरता से माया के कारण हमको सब चीज विपरीत दिखाई देती है, इसको यहाँ पर प्रकट करते हैं। क्योंकि वन तो राम गए हैं, माताएं तो घर पर हैं, और कह ऐसे रहे हैं कि माताएं वन को गई हैं, पुत्रों को घर में छोड़ के, बछड़ों को घर में छोड़ के, यही माया है। ये आगे जो छंद है उसमें ये सब चीजें बहुत बहुत सरल तरीके से तुलसीदास जी कह देते हैं। मित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत कह कई हृदय बहुत सकुजान। रामचंद्र जी इसे सुमित्रा जब मिलती हैं तो भेटे उतने सुमित्रा रामचरण रति जान की, उनका पुत्र, उनके पुत्र का सारा स्नेह राम के चरणों में है, सुमित्रा इस भावना से मिल रही हैं। लेकिन राम जब कैकेयी से मिलते हैं तो कैकेयी हृदय में बहुत संकोच, कौशल्या तो माता है दौड़ती हुई आके मिल लेती हैं अपने पुत्र से, सुमित्रा इस भाव के साथ मिलती। देखिए तीनों रानियों में सबका भाव अलग अलग है, तो कैकेयी अभी भी संकोच की अवस्था में है। लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आसी सुपाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभ न जाए। दो पुत्र गए थे और उसमें से अब लक्ष्मण जी जब सब माताओं से मिल रहे हैं तो सबसे तो हर्ष के साथ मिल रहे हैं और आशीर्वाद पा रहे हैं, लेकिन जब कैकेयी से मिलने जा रहे हैं तो मन में उनके अभी भी पुरानी बात खटक रही है, वो उनके मन से अभी भी हटाए नहीं हट रही है। और इसके बाद सीता माता सभी सासों से मिलती हैं, भेंट करती हैं, हर्ष सहित उनसे मिलती हैं और माताएं उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु लोक मातु परमानंद मगन मन पुनि 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 पुनि। माताएं राम लक्ष्मण और सीता तीनों का दर्शन कर रही हैं और उनका शरीर पुलकित है और मन परमानंद से मगन है। जीव को अगर परमानंद की अनुभूति करनी है तो राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन करना होगा और तीनों के तत्व को समझना होगा, तभी वो परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इधर राम के साथ जो साथ में आए हुए हैं, विभीषण है, सुग्रीव है, नलिन, जामन, अंगद, हनुमान आदि, हरे मनोहर मनुज शरीरा। ध्यान देने वाली ये अर्धाली है कि सुंदर मनुष्यों के शरीर को धारण कर रखा है। राम के साथ इतने दिनों से रह रहे हैं, वन में रहने वाले, उनके शिष्टाचार कुछ और है, उनकी वेशभूषा कुछ और है, उनकी बातचीत कुछ और है, तो जब राम के साथ अयोध्या में आए हैं तो वहां के शिष्टाचार, वहां का आचार व्यवहार, ये सब सीख करके उसी तरह से आए हैं कि
इस तरह से वो वहां पर अपना राम राम का ही बढ़ा रहे हैं, यश बढ़ा रहे हैं कि राम की संगत में रह के उन्होंने भी राम के जैसा व्यवहार और आचरण सीख लिया है। भरत सभी के साथ बहुत प्रेम के साथ मिलते हैं, आदर के साथ मिलते हैं और देख नगर वासिन के रीति सकल सराह ही प्रभु पद प्रीति। उन्होंने थोड़े दिन में राम का जो आचरण व्यवहार मनुष्यों की भांति अर्थात नगरीय मनुष्यों की भांति जो सीखा है, जब अयोध्या के नगर वासियों का वो देखते हैं आचार व्यवहार देखते हैं तो वो सराहना करने लगते हैं सब। फिर राम अपने मित्रों को बुलाते हैं और उनसे मुनियों की चरण वंदना करवा, ये जो अयोध्या के संस्कार हैं वो राम बराबर उनको सिखाते हुए चल रहे हैं। और गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा दलिद्रन, जब अपने मित्रों का गुरु वशिष्ठ से परिचय करा रहे हैं, उनसे प्रणाम करवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये हमारे कुल गुरु हैं और कुल के द्वारा पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों को मारा है। और उतनी ही सुंदर बात हो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि ए सब सखा सुनो मुनि मेरे भय समर सागर कह दो। तब मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, यही मेरे वो मित्र हैं जो युद्ध रूपी सागर में मेरे लिए बेड़े के समान हो गए हैं, मैं इन्हीं के ऊपर सवार होकर के युद्ध रूपी सागर से पार उतर करके आया हूँ। मम हित लागी जन्म इन्हारे भरता हूँ ते मोहि अधिक व्याधि, इन्होंने मेरे कार्य के कारण अपने जीवन को भी दांव पे लगा दिया है और ये सब मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। जो राम हनुमान के लिए कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तो एक एक वानर अगर भरत के समान प्रिय हो गया उन्हें तो एक अकेले भरत से अधिक तो प्रिय हो ही गए। तो वो इसका भी ध्यान रखते हैं कि भाई एक ही में कितनों को आप बांट देंगे, खुश कर देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि भरत हुते मोहि अधिक प्यारे, सुनि प्रभु बचन मगन सब भय निमिष निमिष उपजत सुख नए। इस प्रकार सभी को संतुष्ट, सभी को हर्ष और आनंद दे रहे हैं और सभी के हृदय में हर क्षण नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं वो लोग सभी जाके, तो उनको भी वो ये आशीर्वाद देती है कि माता कि तुम मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे राम मुझे प्रिय है। सुमन वृष्ट नव संकुल भवन चले सुखगंध चढ़ी अटारिन देखें नगर नारी नर वृंद। इसके बाद अयोध्या के पूरे सौंदर्य का, वहां की साज सज्जा का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। एक चौपाई बहुत अच्छी है, करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। अगर एक एक चौपाई आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे भाव आप लोगों को मिलेंगे। नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसत मई निरख राम राजेश। कुमुदनी स्त्रियों को कुमुदनी से तुलना की जा रही है, जो राम का विरह सूर्य है जिसमें वो कुम्हला गई थी, तो अब राम रूपी चंद्रमा के उदय होने के कारण वो खिल उठी हैं। तुलसीदास जी दिन और रात दोनों समय में जो प्रसन्न हो रहे हैं, जो शोक में हो रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हर पल और हर वस्तु राम के आगमन से प्रसन्न चित्त है, आनंद मग्न है। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नाथ नारी सनात करि भवन चले भगवान। इस प्रकार सबको सनात करते हुए सबके मन से ये भाव खत्म हो गया कि अब उनके उनका कोई नहीं है जो अभी तक था, कि हमारा रक्षक कौन है, हमारा पालक कौन है। इस भावना को दूर करके उनको सनात करके भगवान भवन की ओर चले। वहां जाते हैं तो सबसे पहले कह गई कि भवन में जाते हैं, क्योंकि वो ग्लानि में डूबी हुई हैं, वो अभी भी लज्जित हैं। तो भगवान उन्हें बहुत समझाते बुझाते हैं, उनको प्रबोध करते हैं और उनको सुख और संतुष्ट करके पुण्य निज भवन गमन हरि की। उसके बाद ही वो अपने भवन में प्रवेश करते हैं। जब अपने भवन में जाते हैं तब भवन में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष आनंदित हो जाते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी आगे की औपचारिक कार्य प्रणाली को कार्य करने का उचित समय जानते हैं और कहते हैं गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरी सुदिन समुदायी। और इस प्रकार ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करके वो ये तय करते हैं कि अब उचित समय है और रामचंद्र को सिंहासन में बैठा देना चाहिए। वशिष्ठ मुनि के यह सब बात सुन करके सभी लोग उनका अनुमोदन करते हैं
और मृदुल वचनों के द्वारा वो कहते हैं कि जग को आनंद देने वाला राम का अभिषेक अब हो जाना चाहिए, अब देर मत करिए और हे महाराज तिलक की तैयारियां करिए। तब वशिष्ठ मुनि सुमंत्र को बुलवाते हैं, उनको आदेश देते हैं और राज्याभिषेक की सारी तैयारी आरंभ कर दी जाती है। अवधपुरी अयोध्या का फिर से श्रृंगार होता है, फिर से उसकी सजावट हो जाती है, पुष्पों की इतनी लड़ियां सजा दी जाती हैं जैसे लगता है कि आकाश से देवताओं ने ही पुष्पों की लड़ियां वहां से टांग रखी हों। राम अपने सेवकों को बुलाते हैं और सबसे पहले जो उनके साथ लंका से उनके मित्र गण आए हैं उनको स्नान करवाने की बात कहते हैं। सब इसमें जुट जाते हैं, सुग्रीव आदि का स्नान करवाना शुरू कर देते हैं और फिर भगवान पुनि करुणानित भरत हकारे निज कर राम जटानी रुआरे। फिर भरत को बुलाते हैं और अपने हाथों से भरत की जटाएं खोलते हैं, उनका स्नान करवाते हैं, फिर तीनों भाइयों को स्नान करवाते हैं। उसके बाद ही पुनि निज जटा राम अभिभराए, अपने भाइयों को वो वन वेश जो है उससे निकाल करके उनको राजसी वेश प्रदान करने के बाद ही राम राजसी वेशभूषा को धारण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राम के राज्य में जैसे राम खुद रहेंगे सबसे पहले वो स्थिति वो औरों को प्रदान करेंगे, उसके बाद ही वो राजसी वेशभूषा को धारण करेंगे। सासों ने सीता माता का स्नान करवाया, वो उनको श्रृंगार आदि करके उन्हें तैयार करवा रही हैं। राम बाम दिस सोभति रमा रूप गुण खानी, देख मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज जानी, सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ि विमान आए सब सुर देखन सुख कर। राम के बाएं वामांग में रमा रूप गुण की खान विराजमान है। राम तो निर्गुण है, रमा शब्द राम शब्द से जब हम रमा की ओर चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि जैसे ही राम प्रकृति में रमने के लिए तैयार हो जाता है वह रमा हो जाता है। तो राम का जो स्वरूप हमें प्रकट रूप में दिखाई पड़ता है वो सब रमा है और राम केवल रमापति है। इस संसार में राम रमा के ही रूप में प्रकट है, इसीलिए बार बार सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर जब वो सिंहासन पर विराजमान हो रही है तो इसीलिए तुलसीदास जी राम बाम दिस सोभति रमा रूप गुण खान। सुंदरकांड में देखिए तो तुलसीदास जी ने सीता जी के लिए जनक सुता जानकी वैदेही यही सब उनके पर्यायवाची प्रयोग किए हैं, कहीं सीता या रमा बहुत कम प्रयोग किया है, पर अब वो अयोध्या में आ चुकी हैं और उन्हीं का ये सारा व्याप्त किया हुआ प्रकृति का खेल है। भगवान के कार्यों को संपादित करने का सारा कार्य रमा ने ही किया है, क्योंकि जब बार बार कह देते हैं तुलसीदास जी की वो तो निर्गुण है तो सीता के बिना ब्रह्म शक्ति के बिना प्रकट नहीं हो सकता है, सगुण नहीं हो सकता है, साकार नहीं हो सकता है। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मागा, रवि समतेज सो बरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई, जनक सुता समेत रघुराई, पेख प्रहर्षे मुनि समुदायी। इस प्रकार सिंहासन को मंगवाया गया जो जिसका तेज सूर्य के समान था, उसमें रामचंद्र जी ब्राह्मणों को शीश नवा करके बैठते हैं और तब ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, नभ से देवता और मुनि लोग मतलब उनकी जयकार से आकाश तक उनकी जयकार गूंजने लगती है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रण आयसुदी। इस प्रकार जब राम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं तो सबसे पहला तिलक वशिष्ठ मुनि करते हैं और उसके बाद अन्य ब्राह्मणों को आज्ञा देते हैं। माताएं राम की इस छवि को देख करके हर्षित हो रही हैं, बार बार आरती उतार रही हैं, विप्रो ब्राह्मणों को दान दे रही हैं, याचकों को इतना दान दिया जा रहा है कि वो सब अयाचक हो गए हैं। गंधर्व किन्नर गायन कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुर परमानंद सुर मुनि पावही, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति दे। राम के राज्याभिषेक में सुर देवता जो विषयों के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं,
जो इंद्रिय जनित विषय कामनाओं में जीव को लिप्त करा देते हैं वो भी परमानंद पा रहे हैं। मुनि जो वैराग्य ले लेते हैं इंद्रिय और विषय कामनाओं से वो भी परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। तो राम का जो स्वरूप है वो वैरागियों को और संसारियों को सभी को समान रूप से आनंद देने वाला है। और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण हनुमान आदि जो भी अभिषेक के समय के साज सज्जा शस्त्र इत्यादि हैं, जो शक्ति का रक्षा का पालन का सब प्रतीक चिन्ह है उनको लेकर के वहां पर विराजमान है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मनमोहई, मुकटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनी प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्वज धन्य नर। राम का ये नीले मेघ के समान का उनका शरीर और उसपे पीली चमक वाले वस्त्र जो उनको पहनाए गए हैं और उनके अंग अंग में आभूषण सजाए गए हैं, उसको जो कोई भी दर्शन कर सकता है चाहे साक्षात और चाहे अपने ध्यान में, वो मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बरन ही सारद शेष श्रुति सो रस जान। काक भुशुन्नी जी गरुण जी से कहते हैं कि उस समय की जो शोभा है वो कहते नहीं बनती है, हालांकि शेष शारदा वेद उसका बार बार वर्णन करते हैं, पर वर्णन केवल शब्दों से करते हैं, उसके रस को जानने वाले केवल और केवल महेश हैं। इस प्रकार सब अलग अलग भांति सब लोग आते हैं और स्तुति करते हैं राम के राजा स्वरूप की और अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ठीक उसी समय वंदी जन का वेश बनाए हुए वेद आते हैं और श्री राम की स्तुति गान करते हैं। इसके दो अर्थ मुझे समझ में आते हैं कि वेद स्वयं वहां पर वंदी जन का रूप धारण करके आए हैं और भगवान के निर्गुण सगुण रूप का बखान कर रहे हैं, या राम के राज्य में जो वंदी जन है वो भी इतने निपुण इतने गुणी इतने वेद के ज्ञाता हैं कि जो बखान वो करते हैं वो ऐसा लगता है कि वेद स्वयं उसको गा रहे हैं। यहाँ पर जो भगवान की स्तुति है जो वेद के द्वारा गाई गई है, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सिरोम, तो आप सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं रूपवान भी हैं अनुपम रूप वाले भी हैं और राजाओं में शिरोमणि हैं। दस कंधर आदि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, आपने अपने भुजाओं के बल से रावण जैसे निशाचरों का मर्दन किया है। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम हे, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कर्म गुण निभरे। इस प्रकार वेद जो वर्णन कर रहे हैं इस अगर छंद को पढ़ेंगे तो इसमें बार बार निर्गुण ब्रह्म का वो वर्णन करते हैं और उसके साथ ही वो सगुण रूप का भी वर्णन कर देते हैं। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिवित दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूं रच्छ राम नमा। इस भाव सागर के जितने भी कष्ट हैं उनको छेदन करने के और हम सबकी रक्षा करने वाले राम को हम प्रणाम करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरन भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो ज्ञान के मान से भर जाते हैं और भक्ति का आदर नहीं करते हैं और अपने कर्म के द्वारा सुरों को भी दुर्लभ पद को प्राप्त हो जाते हैं किंतु भक्ति का अनादर कर के कारण हमने उनका पतन होते हुए देखा है। ये रावण जैसे लोगों का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। विश्वास करि सब आस परिहर दास, तब जे होई रहे जपि नाम तब बिन श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। फिर चरणों की वंदना करते हैं वेद अपनी स्तुति के द्वारा। उसके बाद फिर निर्गुण ब्रह्म की अव्यक्त मूलम नादि तर त्वच चारि निगमागम भने, षट कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कट मधुर बेली अकेले जहि आश्रित रहे, पल्लवत पुलत नवल नित संसार बिटप नमा। निर्गुण ब्रह्म किस प्रकार सगुण होके संसार में प्रकट होता है इसके लिए वेद उपमा लेते हैं विश्व वृक्ष की, संसार वृक्ष के रूप में उसको प्रकट बताते हैं और ऐसा कहते हैं कि इस संसार वृक्ष की जो जड़ है वो ऊपर की ओर उल्टा है,
तने नीचे आते हैं, फिर शाखाएं आती हैं, उन शाखाओं पे बहुत प्रकार के पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, और शाखाएं निरंतर नीचे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। पर वास्तविक रूप में जो ये विश्व वृक्ष हमको दिख रहा है, ये वास्तव में ब्रह्मलोक से इसकी जड़ निकली है और वहां पर ये सिद्धि अवस्था में उसका प्रतिबिंब है ये संसार, इसलिए हर चीज यहाँ पर उल्टी दिखती है। जिस तरह हम कहते हैं सूरज निकल आया है, जबकि हम सब जानते हैं कि सूरज हमारे सापेक्ष वहीं पर है, हम घूमकर सूरज के सामने आ गए हैं। इसी को माया कहते हैं, इसी को उल्टा दिखना कहते हैं। इस छंद को अगर आप लोग अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में इस विश्व वृक्ष का बहुत सरल व्याख्या करी गई है, वहां से आप इस छंद को समझ सकते हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ऐसा ब्रह्म जो अजन्मा है, जो अद्वैत है, जो केवल भावनाओं के द्वारा ध्यान करके जाना जा सकता है, ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुण दस। जो ऐसा कहते हैं, ऐसा करने में सक्षम है, वो ऐसा करते रहें, मानते रहें, पर हमको तो आपके इस सगुण रूप का यश गाने में ही आनंद मिलता है। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहिं, मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुराग। इसलिए हम तो आपके सगुण रूप का यश गायन करेंगे और यही मांगेंगे कि आपके चरणों में हमारा अनुराग सदा बना रहे, अर्थात जिन चरण कमलों से चल करके आपने रामायण की रचना करी, एक मार्ग हमें दिखाया, उन चरण कमलों पर हम प्रेम करेंगे, तभी उस मार्ग में चलने की हम इच्छा करेंगे, हम हिम्मत करेंगे। सबके देखत बेदन विनती की उदार अंतर्धान भय पुन गए ब्रह्म आगार। इस प्रकार विनती करके वो वेद निर्गुण ब्रह्म की जो व्याख्या, जो वर्णन करना असंभव है, उसको करके फिर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। बाने ते सुन संभु तब आए जहां रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर का। घुषुण जी कहते हैं गरुण जी से, हे गरुण जी सुनिए, जैसे ही वेद बखान करके ब्रह्म का वहां से ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, उसी समय शंकर वहां पर आ पधारते हैं और अपनी गदगद वाणी से विनय करते हैं। अब ये बात क्या है, वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करता है उसको समझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। उन्होंने बता दिया, पूरा दृष्टांत बता दिया ब्रह्म क्या है, क्या है। यहाँ भी कुछ हमारी समझ में आया, कुछ आपकी समझ में आया, पर पूरी बात किसी को समझ में आई नहीं, न बताने वाले को आई और न सुनने वाले को आई। ये सत्य है बिल्कुल। तो शंकर जी आते हैं और आ करके उस स्वरूप का अब वो स्तुति करते हैं जिसको समझना आसान है, जिसको पार्वती जी को उन्होंने इस तरह से समझाया है कि जीव जिस रूप को जिस तरह से समझ सके, पर उस जीव की भी जो कहते हैं ना एलिजिबिलिटी, माता पार्वती के समान होनी चाहिए। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मानद। वो राम के फिर उसी रूप का वंदना कर रहे हैं जिसमें रमा निवास कर, ब्रह्म ही रमा के रूप में प्रकट होता है और उस प्रकट प्रकृति में जो निवास करता है वह ब्रह्म है। इसको समझने के लिए ये जो अद्वैत और द्वैत का ऐसी एक रूपता है रामचरितमानस के भीतर, सबसे सुंदर यही बात मुझे लगती है कि वो भेद को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। और कहते हैं कि आप ही अयोध्या के स्वामी हैं, आप ही देवताओं के स्वामी हैं, और आप ही रमा के स्वामी हैं अर्थात प्रकृति के स्वामी हैं, और विभो अर्थात जिसको वेद अभी अभी बता के गया है कि जो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या तो इतना व्याप्त है जो हर जगह कि वो दिखाई ही नहीं देता है। तो हम आपके शरणागत आकर के ही बस आपसे ये कह सकते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। फिर वो सारे सगुण उनके क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, दस शीस विनाशन बीस भुजा कृति भूरी महामय मही भूरी रुजा मही मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंग परम मन जात किरात निपात किए मृग लोग को भोग सरे। कौन से हिरण पे रामचंद्र जी ने बाण चलाया, मन जात किरात निपात किए, कामदेव रूपी जो मारता है मनुष्य को अगर हिरण मान लिया जाए तो उसके हृदय में
जो कामदेव बाण मार देता है और उस बाण से घायल होकर विषयों में मनुष्य ऐसा लिप्त हो जाता है कामनाओं और इच्छाओं में कि वो उस वन में भटक जाता है, वो इस भवसागर में नीचे गिरता चला जाता है। उस कामदेव के बाण को शंकर भगवान स्वयं कामदेव को भस्म कर सकते हैं, परंतु आम व्यक्ति के लिए उस काम बाण से मुक्त दिलाने का कारण और साधन केवल राम बाण ही है। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए, अतिनाथ अनाथन पाही हरे, विषयाबन पावर भूली परे, बहु रोग वियोगन ही लोग हए, भव दंग्री निरादर के फले, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नचे करते। जो आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते हैं वही इस प्रकार बार बार कामनाओं के बाण से हताहत हो करके इस भवसागर में बार बार गिरा करते हैं, आवागमन में फंसे रहते हैं और वही सदा दुखी दिखाई देते हैं जिनके आपके चरणों में प्रेम नहीं है, परंतु जिनके लिए आपकी कथा ही एकमात्र सहारा है। यहाँ जो इसके पहले जो छंद वेदों ने कहा था वहां पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि वो जो विश्व वृक्ष रूपी वृक्ष है जो सदा नीचे की ओर ले जाता है, उसकी फल जुगल विधिकट मधुर बेली अकेली जही आश्रित रही। उस वृक्ष के फल कड़वे भी हैं मीठे भी हैं, जैसे जीवन में हमें सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है, एक अकेली बेल ऐसी है जो उस वृक्ष के आश्रित है। तो उसका सहारा लेकर ही वो ऊपर की ओर चल पाती है। वही यहाँ पर शंकर भगवान कह रहे हैं, वो हुई निर्गुण ब्रह्म की बात और ये हुई राम की बात कि अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा दीते। पर जिनके लिए जिनका सहारा आश्रय एक आपकी कथा है वो सदा प्रिय संत अनंत सदा दीते, उनको संत और भगवान सदा प्रिय रहते हैं, उनको ना कोई राग होता है ना द्वेष होता है ना लोभ होता है ना मान होता है, उनके पास संपत्ति हो तो भी वैसे विपत्ति हो तो भी वैसे। यही राम की कथा ने बहुत सरलता से दिखाया है कि जब उनको राज तिलक दिया जा रहा था तो भी वो एक समान थे और जब वनवास को जा रहे थे तो भी वैसे ही थे। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, तिनके सम वैभव वा विपदा एहते तब सेवक हो तो मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। इसी के कारण जो मुनि लोग हैं जो योग को मोक्ष का द्वार मानते हैं साधन मानते हैं वो इस योग को भी त्याग देते हैं और आनंद पूर्वक आपके सेवक होना स्वीकार कर लेते हैं। कर प्रेम निरंतर नियम लिए और आपसे प्रेम करने के नियम को व्रत को धारण कर लेते हैं और पद पंकज सेवद शुद्ध और शुद्ध हृदय के साथ आपके चरण कमलों की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही, उनके लिए मान सम्मान अपमान सब एक समान हो जाता है, इसीलिए वे सुखी होकर धरती पर विचरण करते रहते हैं। ये जो चौपाई है मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारणवीर, बड़ी विचित्र चौपाई। कहते हैं कि मुनियों के मन रूपी कमल के भंवरे, हे रणधीर रघुवीर आपको मैं भजता हूँ। अब मुनियों का मन तो भंवरे के रूप में भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है, तो फिर तुलसीदास जी ने ये क्या बात यहाँ पर लिख दी कि मुनियों के मन रूपी कमल के आप भंवरे हैं। जब भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है ये वही अद्वैतवाद हो जाता है जहां पर हम अहम ब्रह्मास्मि कहने लगे। तो इस अवस्था को हम सगुण उपासना के द्वारा भी पहुंच सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, पर वहां पर हमको ये मान नहीं होता है कि अहम, वहां पर हर स्थिति में भक्त अपने आप को भगवान का सेवक ही मानता रहता है। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जन। सभी तरह के द्वंद को नष्ट करने वाले रघुनंद हैं, वो कैसे भी द्वंद हो संसार के जितने भी द्वंद हैं सुख दुख आपत विपत्ति संपत्ति जन्म मरण निर्गुण सगुण राम कृष्ण जितने भी, जहां पर द्वंद समाप्त हो जाए
तब आप समझ लीजिए कि आप भगवान को जानने समझने लगे हैं। जब तक हम इस द्वंद में पड़े रहेंगे, नहीं तेरा भगवान मेरे भगवान से छोटा है, मेरा भगवान तेरे भगवान से बड़ा है, हमारी अवस्था मोक्ष की है, तुम्हारी अवस्था खाली स्वर्ग तक की है, ये सारे द्वंद जो हैं हमें इस संसार में फिराने के लिए हैं। जब ये द्वंद समाप्त हो जाते हैं, वही सिर्फ वही जहाँ अभेद है, सिर्फ वही परीश्वर है, तो बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। बार बार मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों की अविचल भक्ति मिलती रहे, और सत्संग इसलिए मिलता रहे कि भक्ति बनी रहे। वरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रतिभास। तब भगवान ने, जब शंकर भगवान स्तुति करके चले गए, तो भगवान ने सबको निवास प्रदान कराए। और इसके बाद गरुड़ जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की यह जो कथा है, ये जो अभिषेक है, यही जो है तीनों तरह के जो संसार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उन सब से मुक्त करने वाले हैं। और जो जो सकाम इच्छा से भगवान की इस कथा को सुनते हैं, वो सब प्रकार की सुख संपत्ति पाते हैं। जो चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, वो चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली राम की कथा है, राम का चरित है, रामायण है। सुर दुर्लभ सुख कर जग जग माही अंतकाल रघुपति पुर जाही, सुनहि विमुक्त बिरत और विषय लहा ही भगत गत संपत्ति नहीं। जो संसार में सुख चाहता है उसको सुख मिलता है, जो मुक्ति चाहता है उसको मुक्ति मिलता है मिलती है, जो कामना की पूर्ति चाहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सभी का साधन मोक्ष ही है, जो राम की कथा के द्वारा मनुष्य को इस संसार में प्राप्त होता है। विरत विवेक भगति दृढ़ करनी, ये वैराग्य को, विवेक को और भक्ति को भी दृढ़ करती है। मोह नदी कह सुंदर तनी, मोह रूपी नदी को पार करने के लिए यही सुंदर नौका है। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहाई मोद सब पूरी। इस प्रकार अयोध्या में नित रोज रोज मंगल हो रहे हैं और सब सुख प्रकार से सुख से वहां पर रह रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और वानर भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर के वहां पर पड़े हुए हैं। वानर यहाँ पर मन को भी कहा जाता है, मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह टिक नहीं पाता है, परंतु जब राम की संगति में आ जाता है तो वो वानर भी भूल जाता है कि 6 महीने बीत गए हैं और उसी ब्रह्मानंद में पड़ा रहता है। सबको अपने अपने घर की सुध भी भूल गई है, किसी को याद नहीं है, उस प्रकार भूल गए हैं जैसे संतों के हृदय से पर द्रोह मिट जाता है। तब रामचंद्र जी सोचते हैं अब राजकाज भी चलना चाहिए और सबको बुलवाते हैं, सबको आदर के साथ बुलाते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई, मुख पर कही विधि करो बढ़ाई। इस प्रकार उनसे कहते उनकी प्रशंसा करते हुए, देखिए हमारे यहाँ मुख पर बढ़ाई करने का रिवाज नहीं है, ये भी रामायण से पता चलता है। हम लोग क्या करते हैं, मुख पर खूब बढ़ाई करते हैं, पीछे खूब जिसको कहते हैं ना बैक बाइटिंग करते हैं। तो ये भी सीखने को मिलता है कि मुख पर, जब राम कह रहे हैं कि मुख पर किस प्रकार आपकी बढ़ाई करें, तो ये भी एक सीखने की चीज मिलती है। और कहते हैं ताते मोहित तुम अति प्रिय लागे, ममहित लागे भवन सुख त्यागे। तुम हमें इसलिए इतने प्रिय लगते हो कि मेरे कार्य के कारण तुमने भवनों का अपने सुख त्याग दिया, तो अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना, निशाना कहूं यह बाना। मुझे भाई राज संपत्ति सीता देह घर परिवार स्नेही मित्र जन ये सब भी मिलाकर सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना, तुम्हारे समान मुझे ये सब कोई भी प्रिय नहीं है। मैं ये झूठी बनाई हुई बात नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों को अपने सेवक प्रिय होते हैं, लेकिन मुझे अपने दास पर, अपने सेवक पर अत्यधिक प्रीति है। तो इस तरह से उनको संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि भाई अब अपने अपने घर जाओ और भजन करो, प्रेम करो और अपने अपने कर्म में लग जाओ। इसका अर्थ ये भी समझ में आता है कि खाली समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में डूबे रहना, यह मनुष्य का, यह जीव का उद्देश्य नहीं है जीवन का। उसे संसार में आया है तो सांसारिक कर्म भी उसे करते रहना है और मन में राम का कीर्ति, उनका कथा, उनका चरित्र ये बसाए रहना है, ताकि उस सांसारिक कार्यों को वो उसी प्रकार कर सके जैसे राम ने धरती पर अवतरित होके एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किया है।
परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा कहा विविध विध ज्ञान विशेखा प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही पुनि पुनि चरण सरोज राय। तो खाली सीता जी के मन में संकोच नहीं था कि वो अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही थी, भगवान के सामने इनकी भी यही अवस्था हो गई कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं और नीचे की ओर चरणों की ओर बस देख रहे हैं। तब भगवान उनको विदा करने की सुंदर सामग्रियां मंगवाते हैं, भाइयों के द्वारा उनकी साथ सत्या करवाते हैं, पहनवाते हैं और कुछ को अपने हाथ से पहनवाते हैं और सबको विदा करने का प्रयोजन करने लगते हैं। तब अंगद उठिनाई सिर सजल नयन कर जोरियत विनीत बोली वचन मन प्रेम रस बोल। अब अंगद उनमें सबसे छोटे हैं तो सुन सर्व के कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो मरती बेरनाथ मोई वाली गयो तुम्हारे। उनकी जाने की इच्छा नहीं है तो कहते हैं मुझे तो मेरे पिता आपके कोंच में डाल के गए थे कि आप ही हमारे रक्षा को अभी पालक हो, मुझसे आप ये विदा करने का जो कार्य करवा रहे हैं ये मेरे साथ मत करिएगा। तो मोरे तुम प्रभु गुरु भी तुम आता जाऊं कहां तज पद जल जाता। तुम्हें ही बिचारी कहा उनर नहा प्रभु तज भवन काज मम का। आप ही बताइए कि आपको छोड़ करके भवन में जा करके मेरा क्या काम है, मुझे यही रहने दीजिए, मैं निम्न से निम्न जो सेवा टहल मुझे कह देंगे मैं वो करता रहूंगा और आपके चरण कमल को देखता निहारता रह के मैं यही बना रहूंगा। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा शिव प्रभु उठाए उर लायो सजल नयन राजीव निज उरुमाल बसन मनि बाली तने पहिराई विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। भगवान राम अंगद को हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय की माला और वस्त्र उन्हें पहना देते हैं और बहुत प्रकार से समझा बुझा के उन्हें विदा करने के लिए विदा होने के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर भरत और शत्रुघ्न आदि सबको छोड़ने के लिए जाते हैं। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा फिर परिचित राम की ओर, अंगद जाना नहीं चाहते हैं और जाते हुए बार बार पलट के राम की ओर देखते हैं। हनुमान यदि भक्ति हैं तो अंगद विश्वास है। विश्वास को किस प्रकार राम की ओर बार बार देखना पड़ता है ताकि वह विश्वास ऐसा अटल रह सके कि रावण की सभा में भी उसके पैर को अर्थात उसको कोई डिगा नहीं सके अपने विश्वास से। तो विश्वास को तो और भी अधिक राम की ओर देखने की आवश्यकता होती है। बार बार दंड प्रणाम करते हैं और ऐसा लगता है कि अभी कह देंगे कि अच्छा भाई तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है तो तुम रुक जाओ यहीं बने रहो, मन अस रहा न कहा ही मोहि राम। अभी शायद कह देना चाहते हैं, रोक लेना चाहते हैं। राम विलोकन बोलनी चलनी सुमिर सुमिर सोचत हंसनी। राम का हंसना बोलना चलना मुस्कुराना ये सब अंगद के ध्यान से हट नहीं रहा है। प्रभु रुख देख बिनय बहु भाकी चले हृदय पद पंकज राखी। लेकिन उन्हें लग जाता है कि उनको रोकने वाले नहीं है तो उनके चरण कमल करके वो भी चल पड़ते हैं। सुग्रीव भी उनको प्रणाम करके सभी लोग जब चल पड़ते हैं तब हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़ते हैं। और क्यों देखिए कितनी सुंदर मर्यादा दिखा रहे हैं तुलसीदास जी कि सुग्रीव से हनुमान अनुमति मांग रहे हैं। तब सुग्रीव चरण गहिनाना भांति विनय की इन्हें हनुमाना दिन दस करी रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। कहते हमें 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, आप लोग चलिए हम 10 दिन सेवा करके और चरण सेवा करके फिर आ जाएंगे आपके पास। तो पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा से बहु जाई पादा। सुग्रीव उनको अपनी तरफ से प्री करते हैं कि नहीं तुम्हारा पुण्य ऐसा है कि तुम जा करके राम की ही सेवा करो ऐसा कह देते हैं। तब सारे वानर चल पड़ते हैं पर अंगद जी हनुमान जी से कहते हैं कहु दंडवत प्रभु मैं प्रभु से तुम्हें ही कह रहा हूं कर जोरी बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हूं। विश्वास को बार बार याद दिलाना पड़ता है तब भक्ति दृढ़ रहती है। मनुष्य का हमारा सबका विश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता है पर उस विश्वास को यदि बार बार कोई स्मृति दिलाता रहे तो उसको राम के प्रति उस तरह का विश्वास दृढ़ होता रहता है। तो वही अंगद बालक हैं, छोटे हैं, अभी वो चाहते हैं कि उनको याद दिलाते रहे हनुमान जी रामचंद्र जी से। कुल से ही चाहे कठोर अति कोमल कुस में ही चाहे चित्त खगेश राम कर समझ परहि कहु काहि। रामचंद्र जी सबको विदा कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं तो वज्र के समान कठोर हैं क्या, पर हृदय में सबके बसे हुए हैं, सबको और बसाए हुए हैं तो कोमल चित्त वाले पुष्प के समान कोमल चित्त वाले हैं। हे गरुण काकभुषुंडी जी कहते हैं कि राम के इस स्वभाव को बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। पुनः कृपा उसके बाद रामचंद्र जी निषाद राज को बुलाते हैं, उनको
आभूषण वस्त्र इत्यादि दे के विदा करते हैं और कहते हैं कि आप भरत के समान ही मेरे भाई हैं, आप आते जाते बने रहिएगा, क्योंकि वानर तो बहुत दूर चले जाएंगे, निषाद राज अयोध्या से थोड़ा पास रहेंगे, तो उनसे कहते हैं कि आते जाते बने रहिएगा, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके निषाद राज भी चले जाते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राजा की भांति विराजमान हो चुके हैं और सारा भेदभाव विषमता मिट गई है, राम के राज्य में सारा भेदभाव मिट गया है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, वेद द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, चले ही सदा पावही सुखही नहीं भय शोक न रोग। और इस प्रकार सुख पूर्वक जब वो अपने अपने कर्तव्यों को करते हैं तो उनको ना कोई भय है, न शोक है, न रोग है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। देह जनित देव जनित और भौतिक रूप से जितने भी ताप कष्ट इस संसार में मिलने वाले हैं, राम राज्य में वो किसी को भी व्याप्त नहीं होते हैं। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसके बाद राम राज्य में क्या है, किस प्रकार का सुख है, किस प्रकार की शांति है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, इस सब का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर राम एक अकेले राजा के रूप में विद्यमान है। सो जाने कर फली हलीला, कहे महामुनि बरदस सीला, राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस सारदा, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचक्रम पति कारी। सभी स्त्री पुरुषों का क्या आचरण है, क्या चरित्र है, उसका वर्णन करते हैं। फिर दंड जतिन कर भेद, जहां नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहु सुनी अस रामचंद्र। रामचंद्र जी के राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद जो है वो केवल नृत्य में है, क्योंकि नृत्य में अलग अलग भेद से अलग अलग ढंग से नृत्य किया जाता है। और जीतने की अगर मतलब कोई युद्ध नहीं है, कोई ना तो आक्रमण हो रहा है ना कहीं जाकर कर रहे हैं, तो जीतना शब्द केवल मन को जीतने में सुनाई पड़ता है। राम के राज्य में सभी धरती अन्न उपजा रही है, नदियां निर्मल जल प्रदान कर रही हैं, वृक्षों पर फल और फूल उचित समय पे उचित मात्रा में सब प्राप्त हो रहे हैं, हाथी और शेर एक साथ रहते हैं, सब वैर भाव समाप्त हो गया है। इसका वर्णन करते हुए मतलब अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो प्रकृति की पूजा या इंद्र की सेवा या इंद्र की पूजा कही गई है वो मनुष्य और प्रकृति के बीच के सामंजस्य को बताती है। यदि हम प्रकृति का आदर और सम्मान करते हैं तो प्रकृति हमें सारे भोग वस्तुएं प्रदान करती है आनंद मन से। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी हमें देने में चीजों में संतुलन बिगाड़ देती है, असंतुलन पैदा कर देती है। विधु महिपुर मयूखनि रवि तप जतन ही काज, चंद्रमा अपनी चांदनी को भर भर के धरती पर बरसाती है और सूर्य केवल उतना ही ताप देता है जितना आवश्यक। हमारे यहाँ की तरह नहीं, आजकल 45-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लोग मरे जा रहे हैं गर्मी के कारण, ऐसे ऐसे शरीर में कमियां उत्पन्न हो रही हैं। मांगे बारिद दे ही जल रामचंद्र के राज, जब आवश्यकता होती है किसान लोग मांगते हैं उस समय मेघ जल बरसा देते हैं। भगवान राम ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, कोटि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। वही पालन करने वाले हैं, वही धर्म को धारण करने वाले हैं, वही गुणों से परे हैं, वही गुणवान हैं और भोग में वही इंद्र के समान है। वही जो हमने बात कही थी कि इंद्र का अर्थ होता है प्रकृति का संचालन करने वाला, तो राम ही इस समय है कि वो इंद्र की समान इंद्र के समान सारे भोगों को लेते भी हैं और उसके बदले में मनुष्य को सब कुछ प्रदान भी करते हैं। सीता जी पति के अनुकूल सदा रहती हैं, विनीत स्वभाव वाली हैं, घर में बहुत सारी सेविकाएं हैं पर वो सदा अपने हाथ से कार्य करती हैं। और जिस प्रकार राम सुख माने उस प्रकार जबकि वो लक्ष्मी हैं, देवता लोग उनकी कृपा को चाहते रहते हैं पर वो यहाँ पर राम की सेवा में तत्पर हैं। प्रकृति लक्ष्मी ये सब उसकी सेवा में लगी रहती हैं,
जो सबका पालन करना चाहता है, जो सबकी रक्षा करना चाहता है, उसके लिए लक्ष्मी और प्रकृति स्वयं तत्पर रहती है सब कुछ सेवा प्रदान करने को। उमा रमा ब्रह्मादि पंडिता जगदम्बा संतुकम मनुंदा, जो उमा रमा और ब्रह्माणी के द्वारा वंदना जिनकी की जाती है, ऐसी जगत माता सदा आनंद मग्न रहती है। सेवा ही सानुकूल सब भाई, राम के सब भाई भी उनकी सेवा करते हैं और देखते रहते हैं, उनका मुंह ताकते रहते हैं कि कब उनके लिए शायद कोई आदेश मिल जाए और वो तत्पर होकर के उसको कर सके। राम करहिं भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावन नीति, राम भी भाइयों पर बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें सदा ही नीति सिखाते रहते हैं। नगर के सभी लोग हर्ष के साथ जीवन यापन कह रहे हैं, अहनी से विधि मनावत रही श्री रघुवीर चरण रति चाहे, और दिन रात सब लोग बस यही मनाते रहते हैं कि राम के चरणों में प्रेम बना। हम लोग कितनी बार मनाते हैं कि राम के चरणों में प्रेम बना रहे हैं। राम के चरणों में प्रेम का अर्थ कदापि नहीं है कि हम रोज सुबह शाम या 5 बार या 10 बार इन चरणों को छूते रहें, जिन मंदिरों में जाएं वहां चरणों को छूते रहें। हम तो उस बात को हो गए हैं ना कि हम राम के चरण पूजते हैं, हम राम के आचरण नहीं पूजते हैं। तो चरण पूजने का अर्थ है कि राम ने जो आचरण करके दिखाया है हम उस पर चलने का प्रयास तो करें एक बार। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए, दो विजयी बिनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनोवती सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे भय रूप गुण सील गने। बहुत सरल चौपाइयां हैं, इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान गिरा गोती तज माया, मन गुण पार सोई सच्चिदानंद धन कर नर चरित उदार। फिर वही बात कर देते हैं, जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे है, जो अजन्मे है, जो माया से परे हैं, जिनको माया नहीं रचती है, वही सच्चिदानंद घन करन चरित उदार, वही आनंद घन, ऐसा सच्चा चित्त का आनंद जो अपने घन घन सबसे अधिक अवस्था में विद्यमान होता है, सबसे डेंस अवस्था में विद्यमान होता है, वो आनंद किस प्रकार मनुष्य का रूप धर करके ये चरित्र करता है। तो आनंद भी दिखता नहीं है, प्रेम भी दिखता नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। जिस प्रकार प्रेम को अनुभव करते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हमको ये मान लेना चाहिए कि जब राम का स्वरूप सगुण उनका रूप वो ब्रह्म ही है, क्योंकि वो सदा सबको आनंद देते हैं। शत्रु भी उनको देखता है तो उनके ऊपर मोहित हो जाता है। प्रात काल सरऊ करिमज्जन बैठ ही सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने राम जगत सत्यानि। सरयू में स्नान करते हैं, उसके समीप बैठते हैं गुरुजनों के साथ, वहां पर वेद पुराणों की चर्चा करते हैं, बार बार सुनते हैं। हम लोग कह देते हैं हमें सब पता है, मतलब, पर राम जो सब कुछ जानते हैं वो बार बार गुरु के मुख से उनको सुनते हैं, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। ये सब देख करके माताएं बहुत सुखी होती हैं। 14 वर्ष से वो ये दृश्य देखने के लिए तरसती रही हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत पवन जाई, बूझे राम बैठ गुण गाहा कह अनुमत सुमत अवगा। और उपवन में जब इस प्रकार बैठ के चलती हैं तो हनुमान जी से सब राम के गुणों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार हनुमान जी उनको बताते रहते हैं। समय बहुत होता जा रहा है। फिर अयोध्या का वर्णन है, वहाँ की बाजार का वर्णन है, वहाँ के भूगोल का वर्णन है, किस प्रकार वहाँ पर सुख की वर्षा हो रही है, ये सब का वर्णन करते हुए फिर कागभूषुण जी गरुड़ से वार्तालाप करते हैं। सनकादिक मुनि वहां पर आते हैं अयोध्या में एक बार, और उनके साथ भगवान की फिर से चर्चा होती है। उस चर्चा के बाद वही वेदों की चर्चा है, सनकादि मुनि से ही आरंभ हुई थी राम की कथा, राम के अवतार का कारण वो भी बने थे, तो वो भी फिर आते हैं वहां पर और ये सब कुछ भगवान के साथ चर्चा होती है। वो भी भगवान से उनकी अविचल भक्ति को मांगते हैं और मांगने के बाद वो वहां से ब्रह्मलोक के लिए चले जाती हैं। और इस प्रकार अयोध्या में राम राज्य सुख प्रदान कर रहा है सबको। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे बहुत सुंदर वाणी, सुंदर व्याख्या, सुंदर प्रस्तुति। बस थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ, मगर बहुत मजा आया जी। मुझे समय का ध्यान नहीं रह गया था फिर जब मैडम बहुत सुंदर वृंदा जी ने, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आनंद आया, बहुत सुंदर विवेचना, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, बहुत ही अच्छे से समझाया।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। समय का पता ही नहीं लगा, अब मुझे भी पता नहीं चला, जैसे ही मुझे लगा समय बहुत हृदय में उतर गई आपकी व्याख्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वेदा जी, सुंदर आपने उत्तरकांड का आरम्भ किया। तो आज उत्तरकांड में आरम्भ से 235 तक पर वेदा जी ने व्याख्या की पर चर्चा की। अब अगले सप्ताह शनिवार को यहीं से आगे बढ़ेंगे 235 से 74। और आदरणीय श्री राम गिरीश द्विवेदी जी भोपाल से इस पर चर्चा करेंगे। कल फादर्स डे या पितृ दिवस है, तो कल हम होम विधा में काव्य स्वरचित काव्य वाचन होगा, समय ही होगा 9 बजे। मेरे ख्याल से 27 कवि अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे, तो समय हो तो आप आइए, लिंक यही आपको पता ही, आनंद लें। इसके साथ ही चूंकि समय काफी हो गया, हम आज का एकदम समापन करते हैं और फिर कल मिलते हैं कब उन्हें चाहे तो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्थिरभवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।